दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा दूसरों से अलग हटके है। मैं एक्चुअली आयुर्वेदा में मैंने पूरी ज़िंदगी काटी है, सेवा करते करते, आयुर्वेद को पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए। तो आज मैं आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जिन लोगों का आयुर्वेद में यकीन नहीं है वो ज़्यादा इसको शायद ना भी पसंद करें, उनको समझना नहीं चाहते, उनको मैं समझाऊँगा नहीं। ऐसे लोगों से माफ़ी चाहूँगा, वो ना भी देखें। मैं बताना चाहता हूँ आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद हमारा 5,000 साल पुराना उस टाइम का साइंस है। दिस इज़ ए साइंस जिसकी आज वैल्यू ख़त्म हो गई थी। 5,000 साल पहले बीमारियां पहले भी होती थी, इलाज तब भी होते थे, लोग जब भी ठीक होते थे। मगर अब प्रॉब्लम क्या आ गई है ना, हम सब बिजी हो गए। किस चीज़ में बिजी हो गए? अपने शरीर को। पहले हम अपने शरीर को ध्यान दिया करते थे, पैसा बाद की चीज़ थी, अब पैसा पहली चीज़ हो गई है। आदमी भागता है, हर आदमी बिजी है। उसका पेट में दर्द हुआ, वो ये नहीं देख रहा कि तुम 2 दिन से तुम्हारा पेट साफ नहीं हुआ है या तुमने क्या चीज़ खाई है, उससे कोई मतलब नहीं। सीधा जाएगा डॉक्टर साहब, दवाई दे दो। डॉक्टर साहब कहेंगे ज़्यादा जल्दी है, हाँ जी, तो इंजेक्शन लगवा लो। एक इंजेक्शन लगवाया और फिर चल दिए। वही जो गलती करी थी आपने पहले, अनसंड खा गए, फिर आप दोबारा इंजेक्शन लगाने के बाद आराम आ गया, फिर वही खा रहे हैं, फिर बीमार हो जाओगे। तो आयुर्वेद क्या है? आयु का विज्ञान है। पूरी आयु जिस दिन से गर्भधारण होता है उस दिन से, आयुर्वेद के अंदर तो इतनी गहराई है, जिस दिन गर्भधारण हो जाता है तभी से ही उसकी एक दिनचर्या सेट हो जाती है कि किस किस महीने में क्या क्या खाना है। हर उसका अलग अलग होता है। इवन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ तक भी है गर्भधारण कैसे करें उसकी भी युक्ति है आयुर्वेद के अंदर वर्णन है। अभी जो एलोपैथ जो चल रहा है इतना एडवांस नहीं हुआ। आपको याद होगा अभिमन्यु जो पेट में रहते हुए भी उसको सारी बातें सीख गया था। ये कहानी नहीं है। आज भी अगर हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है, आप पूरी ज़िंदगी हेल्दी रह सकते हैं। मैं अपने जीवन में ऐसे आदमियों से मिला हूँ, दो से, जो कहते हैं हमने ज़िंदगी में दवाई नहीं खाई। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, यार ये कैसा आदमी है। मगर जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा तो मुझे समझ आया, उसमें यम नियम सब चीज़ें होती हैं। मतलब आपकी दिनचर्या सेट होती है, खाने पे आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बीमार हम आराम से होते नहीं हैं, हम तो अपने आप को बीमार कर लेते हैं। मान लो आपने अभी अभी चाय पी है, एसिडिक चीज़ खाई, फिर आपने समोसा खा लिए, फिर किसी कहीं पे गए आपने कुछ और फिर दोबारा खा लिया, आप एसिड को बढ़ाते रहते हैं। हमारे बॉडी का पीएच जो होता है 7.2 के करीब होता है, उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं। क्षारीय जब हमारा ब्लड होता है तो हमें इन्फेक्शन पे नहीं पकड़ते हैं, और अगर कोई हो तो ठीक भी हो जाते हैं। मगर हम हर समय एसिडिक बना कर रखते हैं अपने शरीर को। आप जहर खा रहे हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे वो हमारे खाने में आ रहे हो, बचना तो बहुत मुश्किल है। जो गेहूं हम खा रहे हैं सभी खाएंगे ना उसको, मगर उसके अंदर जो यूरिया डाला जा रहा है वो एक केमिकल है, और यूरिया के द्वारा पैदा किया हुआ उसके अंदर भी उसके अंश पाए जाते हैं। फिर पेस्टिसाइड डालते हैं। कोई भी आदमी, मैं अपने घर के अंदर देखता हूँ, सब्जी हैं, फल हैं, कितनी देर धो लोगे? जरा सा धोया हो गया ये काम। तो चारों तरफ से हमारे अंदर केमिकल्स जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा फैशन चल रहा है, लोग बहुत अच्छा मानते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतनी इतनी चीज़ें गलत हैं, आप कभी साइट पर जाकर देखना, बहुत नुकसानदायक है। मतलब हम एक तो होती मजबूरी हो गई, एक हो गया कि हम शो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को। जितने पेस्टिसाइड्स तरह तरह के हमारे अंदर जा रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ एलोपैथ में जितनी भी दवाइयाँ सब केमिकल से तैयार हो रही हैं, और हमारी बॉडी केमिकल्स के बनी हुई नहीं है। चलो मजबूरी में आप खाओ, एंटीबायोटिक खाओ, पेन किलर्स खाओ, मगर खामो खामे मत खाओ। अपने शरीर को ऐसा बनाओ
आपने देखा कोई आदमी सोच सकता है कि आदमी 1,000 किलोमीटर पैदल चल चल चला जाएगा? सपने में भी नहीं सोच सकते। ये वो आदमी है जो रूखा सूखा खाते हैं, समझ रहे हैं? मगर फिर भी वो चल गए। हम और आप, हमने तो नेचर को मतलब बॉडी को बिल्कुल पैक कर दिया है। हम जितना भी खाना खा रहे हैं, अच्छा बुरा जैसा भी खा रहे हैं, बॉडी का एक सिस्टम है उसको हजम करने का। 3 घंटे लगते हैं आपके, जो भी आपने अभी खाया है उससे पहले आपको नहीं खाना चाहिए। आप फिर दोबारा खा लेते हैं, फिर तिबारा खा लेते हैं, पहला हजम नहीं हुआ तो आपको, इसलिए आम तौर पे आपको हर तीसरा आदमी पेट में गैस है, जलन है, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके लिए क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर पे गए या डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एंटासिड लिख दिया आपको। आप देखना बीमार कैसे आप अपने आप को कर रहे हैं। एंटासिड खा लिया, उसने जितना भी एसिड था हमारे स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मगर अब आपने एंटासिड खा लिया, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अब आप खाना खाएंगे। जब आप खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पानी बन चुका है, अब क्या होगा, आपका खाना हजम नहीं होगा। खाना नहीं हजम होगा तो आपको गैस बननी शुरू हो जाएगी, फिर आप जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर मुझे तो गैस बन रही है, अब वो गैस की दवाई दे देंगे। मतलब आप खुद, मेरे कहने का अभिप्राय समझो, खुद क्रिएट कर रहे हो बीमारियां और फिर जाते हो डॉक्टर के पास और फिर चट से ठीक होना चाहते हो। मैं आपको ऐसी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आप 100 साल तक बिल्कुल निरोग रहें, बीमारियां ना पकड़ें। बस ये है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे जी सकते हैं, बीमारियां क्यों हो जाती हैं, बीमारी कैसे ठीक हो सकती हैं। इसी तरह मैं आयुर्वेद के अंदर आपको जो भी मुझे अब तक ज्ञान हुआ है इन पिछले 40 साल में, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी बीमारियाँ आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है, लोग होता क्या है, सबसे पहले भाग के जाते हैं एलोपैथ की दवाई खा लेते हैं। उससे क्या होता है, सिम्टम्स जो होते हैं आपके वो दब जाते हैं। मान लो आपको पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने एक एंटी स्पास्मोडिक दे दिया, पेट का दर्द सही हो गया, आप फिर वही काम करने लगे जिसकी वजह से वो हुआ था। कोई डॉक्टर आपको कारण नहीं बताते कि भाई आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए या ऐसे बार बार नहीं खाना चाहिए, वो कोई नहीं समझाता। क्यों समझाएगा कोई भाई, अगर आपको हमने सारी बातें बताई दी और आपने उसको फॉलो कर लिया, आप ठीक रहने लगे, तो फिर लोग मेडिकल में जाना ही बंद कर देंगे। उनके लिए तो अच्छा है कि बेटा खाते रहो और आते रहो, दिस इज बिजनेस। जबकि मेडिकल प्रोफेशन बिजनेस नहीं है। डॉक्टर को आज भी बहुत से लोग भगवान कहते हैं कि आप हमारे भगवान हो, इससे ज़्यादा इज्जत किसी को मिल नहीं सकती। मगर बहुत से ऐसे वक्त के साथ साथ वो हो गए, जब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए, करोड़ रुपए लगते हैं, करोड़ से भी ज़्यादा ही एक डॉक्टर बनने में, तो वो सीधा सीधा सोचता है करोड़ तो मैं कमा लूँगा। उसी दिन पढ़ते पढ़ते सोचने लगता है कि करोड़ तो कमाने ही हैं, पापा ने खर्च करे हैं या जहाँ से भी लिए हैं, अब वो कमाने की तरफ ध्यान देता है। इसलिए जो पहले डॉक्टर्स के अंदर, वैद्यों के अंदर एक भावना होती थी, भावना का खेल था, वो कुछ नहीं है, गरीब भी है तो कुछ भी ला करके दे देगा, लो जी वैद्य जी आप ये ले लो, वो उपहार समझ के रख लिया करते थे। पैसा वहाँ पर मेन नहीं था, आज पैसा मेन हो गया है डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। मुझे पेशेंट के ऊपर इसलिए हंसी आती है कि वो अज्ञानी है, अज्ञानता के अंदर वो खाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत टाइम पर सो रहे हैं, गलत टाइम पर जाग रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्या मतलब जो भी हमारे स्वास्थ्य के नियम हैं उनको भरपूर उनका उल्लंघन करते हैं, बीमार रहते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप बीमारी ना हो। बस बात यह है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी। आयुर्वेद एलोपैथ में क्या कहते हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ठीक है, तो बस यू आर क्वाइट हेल्दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है,
आयुर्वेद में कहते हैं सम दोष है सम अग्निष्ट सम धातु मल कर रहे प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है स्वस्थ ते भी दिए थे। आप नहीं समझ पाए होंगे ये संस्कृत का श्लोक है और आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में लिखा है। इसमें मेन बात ये बताना चाह रहा हूँ जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं है तब तक आप हेल्दी नहीं है। आप मुझे बताओ कौन आदमी प्रसन्न दिखाई दे रहा है आपको? हर आदमी टेंशन में है, इसका मतलब कोई भी आदमी हेल्दी नहीं है। बस आयुर्वेदिक डॉक्टर तो जानता है इस बात को मगर आम पब्लिक नहीं जानते। आम पब्लिक को पढ़ाए कौन, बताए कौन, समस्या ये आती है। तो दोस्तों जितना मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत जितनी भी, हम किन किन बीमारियों को आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरा जो काम है इम्यूनिटी HIV वो मैं करता रहूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर जो मैं कर चुका हूँ देख चुका हूँ, मैंने जीवन में अनुभव किए हैं, मरीज ठीक किए हैं, ठीक होते हुए देखे हैं, मैं एक एक करके उन सबको आपके सामने रखूँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।